छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। मोबाइल कंपनियों में गला काट कोड़। बाप रे बाप। हाँ बोलिए ना। अरे मैं सुन रहा हूँ भाई, मैं सुन रहा हूँ। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ भाई, हाँ बोलिए जी। हेलो, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं आपको आई विल कॉल यू लेटर। ये तो बटन भी खराब हो गया है, देखो। वही तो, आपका फोन बिल्कुल आप ही की तरह बापा आदम के जमाने का है। नहीं बॉबी, सिर्फ 3 साल पुराना है बस। अरे 3 साल में तो लोग 3 दर्जन मोबाइल बदल लेते हैं, और एक आप हैं कि एक मोबाइल भी नहीं बदलते। कब से कह रही हूँ कि एक नया स्मार्टफोन खरीद लो। अरे अपने नहीं तो मेरे बारे में तो सोचो, कुछ स्टैंडर्ड बढ़ाओ। हाउ? अरे क्या हाउ? खन्ना साहब को देखिए। खन्ना 50,000 का मोबाइल है उनके पास। क्यों देखूं मैं खन्ना साहब को? और मुझे एक बात बताओ बॉबी, 50,000 का मोबाइल लेने से स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा? टेल मी बेटा, तेरा तो 1,00,000 रुपए का मोबाइल खरीदने से भी नहीं बनेगा। बेटा स्टैंडर्ड सुधारने से पहले अपने हालात सुधार। देखा, अब वो सुधरने वाले हैं। अगर तू 23 जनवरी 1995 को सही टाइम पर उठ गया हो तो आज मैं बैंक में मैनेजर होता। मैं नहीं उठ पाया क्योंकि मेरी घड़ी का अलार्म नहीं बजा। वही तो, खन्ना साहब को देखिए। खन्ना, उनके तो दिन में 20-20 अलार्म बजते हैं, और वो भी उनके स्मार्टफोन में 50,000 वाले। मैं चलता। अरे बेटा, बेटा जरा ध्यान से जाना। क्यों? आजकल चेन स्नैचिंग वाले मोबाइल स्नैचिंग ज्यादा कर रहे हैं। आई विल बी द लकीस्ट पर्सन अगर किसी ने मोबाइल स्नैच कर लिया तो। क्या करूं इसका मैं? अरे फेंकिएगा मत मोबाइल को। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना और उनको थोड़ी बुद्धि देना कि थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाए। दुनिया के पास स्मार्टफोन है और मेरे पास स्मार्ट पति तक नहीं। बॉबी, मोबाइल के व्हाट्सएप चैट की वजह से पति पत्नी में तलाक। हे भगवान, दोनों को सद्बुद्धि देना और उनकी रक्षा करना। मेरे फोन में कोई मैसेज क्यों नहीं आता? कोई मुझे याद क्यों नहीं करता है? अरे अस्थाना साहब, आप अपने फोन को प्लीज साइलेंट पर रखिए कृपा करके। भगवान दास जी, आप अपना मुंह साइलेंट रखेंगे कृपा करके? ये कोई बोलने का तरीका है? सी हिम, हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस? भगवान दास जी, आप अपना काम करिए। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ अस्थाना साहब, बट यू आर डिस्टर्बिंग मी, नॉट मी, ऑल ही शी, हर किसी के फोन बजे जा रहे हैं। भगवान दास, फोन उसका बजता है या मैसेज उसका आता है जिसकी डिमांड होती है, जिसको लोग याद करते हैं, जिसकी कोई वैल्यू होती है। वी आर इन डिमांड। यू आर वेरी मीन। व्हाट आई मीन, व्हाट डू यू मीन? हाउ कैन यू से लाइक दिस? मतलब मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई याद नहीं करता। लगता तो ऐसा ही है भगवान दास। अच्छा मेहता साहब, आप एक बात बताइए, आज तक आपने कभी भगवान दास के मोबाइल पर मैसेज की बीप सुनी है? मैंने तो नहीं सुनी। रोजी मैडम, आप बताइए, आपने कभी भगवान दास के मोबाइल पर मैसेज की बीप सुनी है? नो, नेवर। अब बजता है भाई, हमारा भी फोन बजता है, पता है कितने मैसेज आए हैं, पर हम दिखावा नहीं करते, साइलेंट पर रखते हैं। हाँ। किसकी बजी? किसकी बजी बताओ? सर आपकी बजी। मेरी बजी? हाँ। I mean who? मान गए चौबे जी, आपका मोबाइल साइलेंट पे ही बजता है। कैसे हो भगवान दास? शिवाय, शिवाय कहाँ हो भाई? किसका मैसेज है चौबे जी? दोस्त का है।
तो जवाब दीजिए। यस यस, मैं ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? किसकी बजी? अरे मैं पूछना चाह रहा हूँ, किसकी बजी? कोई बताएगा? ये मेरा है सर, एक किसी का मैसेज है सर, एक दोस्त ने भेजा है सर, वेरी गुड मैसेज। उसने लिखा है कि शराब। तुम यहाँ चैटिंग करने आते हो कि काम करने आते हो? अगली बार ये तुम्हारा फोन बजाना, तुम्हारा क्या, अगली बार इस दफ्तर में किसी का भी फोन बजा उसे टाइम सस्पेंड कर दूंगा। शर्म नाम की तो कोई चीज है ही नहीं तुम लोगों में। किसका बजा? मैं पूछ रहा हूँ किसका बजा? सर क्या है? सर आपका अपना अपना काम कीजिए सर। शिवाय तुम यहाँ कैसे, यहाँ क्यों आ गए भाई? तुमसे मिलने आए हो मेरे दोस्त। क्यों आ गए मिलने, क्या जरूरत थी मिलने की? अरे भाई आजकल तो मैसेज करो, मैसेज में चैटिंग करते हैं ना, चलो। अरे जब तुम मेरे सामने बैठे हो तो मैं मोबाइल पे बात क्यों करूं? और वैसे भी मेरा बैलेंस खत्म हो गया है। अरे जान दो यार, तुम्हारा बैलेंस था ही कब जो खत्म हो गया है, झूठ बोल रहे हो। वैसे एक बात बताओ, किसके फोन से SMS कर रहे थे? अरे भाई मेरा मोबाइल था। तुम्हारा मोबाइल? हाँ। अच्छा मुझे दिखाओ तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। अच्छा चलो मैसेज करके बताओ। और कर दिया तो? करो तो सही। ठीक है ये देखो, हाय सेंड। क्या क्या कर रहे हो यार? भगवान दास किससे बात कर रहे हो? कुछ किसी से भी नहीं। आपका फोन हम सबको डिस्टर्ब कर रहा है। हम लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं भगवान दास। We are here for work, not for entertainment. आप अपना मोबाइल साइलेंट पर रखेंगे कृपा करके, या मैं सर को बात करूं? सर मी साइलेंस कर लीजिए। yes, yes. उसकी कोई आवश्यकता नहीं भगवान दास, क्योंकि अब तुम्हारे मोबाइल पर कोई SMS नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि हम तुम्हारे सामने बैठे, तुम्हारे दोस्त, अब आमने सामने बातें होंगी और क्या। नो, ये अच्छी बात नहीं है भाई। इट्स समथिंग एल्स। जिसको मैसेज आता है, जिसको फोन बजते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितने अच्छे अच्छे फोन हैं लोगों के पास, बड़े बड़े, ऐसे टच करते ही क्या क्या आ जाता है, एंड आई एम यूजलेस। और मेरा तो ये सेट भी पुराना है मेरे भाई, कोई याद ही नहीं करता, कोई फोन ही नहीं करता है। बहुत बदकिस्मत होते हैं वे लोग जो मोबाइल पर चैटिंग करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो दूर के लोगों को अपने पास लाना चाहते हैं, और इस चक्कर में उनके करीबी लोग उनसे कब दूर चले जाते हैं ये उन्हें पता भी नहीं चलता। और तुम तो भाई बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या किस्मत वाला हूँ मैं बताओ? बात वो नहीं है, ये मोबाइल का जमाना है मेरे भाई। मेरा ये सेट तो बहुत पुराना है, बजता ही नहीं। बॉबी का मैसेज है, माय वाइफ, उनका मैसेज है। पर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें कोई SMS नहीं करता। अरे भाई वो उसे आज बाजार ले जाना था घुमाने, कुछ शॉपिंग करवाने, तो उसी का रिमाइंडर कॉल था, मतलब मैसेज था। देखिए क्या लिखा है, कब तक आ रहे हो? अरे शिवाय, शिवाय तुम चलोगे हमारे साथ मार्केट? भगवान दास मैं शिवाय खन्ना नहीं, जो मिया और बीवी के बीच में आ जाऊं। अरे अरे नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, आई वॉज जस्ट। पर शिवाय ने ये क्यों कहा कि मैं खन्ना नहीं हूं जो पति पत्नी के बीच में आऊं? कंफ्यूजन, इज ही रियली बिटवीन अस? हाउ? रहने दो, रोज रोज का यही लफड़ा है तुम्हारा। हमेशा आप ही बोलते रहते हो, आज के बाद कभी भी शॉपिंग करने नहीं चलूंगी आपके साथ। मुझे भी कोई 15 अगस्त जैसी फीलिंग नहीं आती है तुम्हारे साथ जाकर, बता रहा हूँ मैं। हाँ आपको तो मेरे साथ गुलामों वाली फीलिंग आती होगी ना। ये मैंने कब कहा? कहोगे भी कैसे, मैं थोड़ी ना तुम्हें गुलामों की तरह रखती हूँ। देखो अगर मैं कहने की बात पर आ गया ना बॉबी, तो तुम्हें तो क्या क्या कर लोगे? बोलो ना, आपसे अच्छे तो खन्ना साहब है। खन्ना अपनी पत्नी डिंपू को कितना प्यार करते हैं, वो आप नहीं कर सकते क्या?
आज के बाद ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं जानता हूँ वो तुमसे सुंदर है दीपू, उसकी पत्नी खन्ना की, लेकिन मैं उससे प्यार क्यों करूँ? How can I make love with somebody else wife? अरे मैं डिंपू की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ। बॉबी, मुझसे प्यार नहीं कर सकते क्या आप? अच्छा, नहीं नहीं कर सकता हूँ क्या मतलब? मैं तुम्ही से तो प्यार करता हूँ, और किससे करूंगा बॉबी? अरे छोड़ो अब, जाने दो। शादी से पहले मैं जब कॉलेज के लिए निकलती थी बॉबी, तो कैसे छत से उचक उचक के देखते थे मुझे। उसी छत से कूद के जान क्यों नहीं दे दी मैंने उस वक्त? क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। और सुहागरात वाली रात क्या बोल रहे थे मुझे कि बॉबी तुम्हारे लिए मैं ताजमहल बनवा दूँ? मरो तो सही। अरे बॉबी, वो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था जब तुम मरोगी तो उसके बाद ताजमहल बनाऊंगा। अब तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो हाउ कैन आई मेक ताजमहल विदाउट योर डेथ? अच्छा, तो इसके लिए आप मुझे मरना भी पड़ेगा? अरे क्या नौटंकी मचा रखी है तुम लोगों ने सुबह से, इतनी देर से मैं सुन रहा हूँ। बेटा तुम बताओ क्या बात है? देखिए ना, ये मुझे बोले कि आओ तुम्हें शॉपिंग करवाने ले जाता हूँ, मुझे बस इतनी सी शॉपिंग करवाई और खुद के लिए 9,000 का मोबाइल खरीदा इन्होंने। क्या 9,000 का मोबाइल? 9,000? तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे 9 करोड़ का हो। 9,000 का ही तो है, पता है 50,000 2-2 लाख के फोन आ गए आजकल मार्केट में, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अबे उल्लू के पट्टे। हाँ बोलिए ना। तुझे ये 9,000 का मोबाइल लेने क्या जरूरत? पापा जी, मैंने इनसे कहा कि 9,000 का मोबाइल खरीदने की क्या जरूरत है, फिर भी नहीं माने ये। पापा जी चलो माना कि इन्होंने 9,000 का मोबाइल लिया तो लिया, लेकिन मुझे भी तो एक 9,000 का मोबाइल लेके दे सकते थे ना। लेकिन बहू बेटा तुम्हारे पास तो मोबाइल है ना? हाँ तो इनके पास भी तो है। है लेकिन पापा जी बहुत लो स्टैंडर्ड का फोन है वो, मालूम है घिस गया है बिल्कुल, नंबर भी दिखते नहीं है क्या लिखा है, किसी को फोन करता हूँ किसी को चला जाता है, फिर बोलते हैं हु आर यू। ऑफिस में सब लोग मजाक उड़ाते हैं, ये क्या है चौबे जी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, टच वाले स्क्रीन आ गई, टच करो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अब ना खरीदो तो बताओ क्या करूँ? तो इसके लिए आप 9,000 का मोबाइल खरीदेंगे? बॉबी तुम ही तो बोलते हो ना, खन्ना साहब को देखो, उनका स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसकी तरह स्टैंडर्ड बढ़ाओ। अब मैं बढ़ा रहा हूँ स्टैंडर्ड तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने की बात कर रही थी, ये जो मैं ऐसे घूमती रहती हूँ ना साड़ियों में दिन भर। सी पापा जी, मैंने मोबाइल खरीदा तो क्या गुनाह कर दिया? ये खुश नहीं है वो? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने एक मोबाइल खरीदा है 9,000 रुपए का, लेकिन पापा जी मैं थोड़ी ज्यादा खुश होती अगर मुझे भी एक 9,000 का मोबाइल मिल जाता तो। समझ गया। वो बेटा नाराजगी इस बात की नहीं है कि भगवू ने 9,000 का मोबाइल क्यों खरीदा, नाराजगी इस बात की है कि भगवू ने तुम्हें ऐसा मोबाइल क्यों नहीं दिलवाया। यस वही तो। अच्छा ऐसा है, जाओ तुम चाय बना लो। 9,000 का स्मार्टफोन बना के देगा ना? जाओ। जाते हूँ पापा जी, ये लीजिए। थैंक यू। 9,000 बार चाय बना सकती हूँ, पर 9,000 का फोन नहीं रख सकती। थोड़ा अदरक भी डालना। इसे कहते हैं टच स्क्रीन। ये देखिए, टच करो ठा, टच करो ठू, टच करो टी। ये टच करने से चलता है। बेटा टच करने से तो आदमी चलता है। आप चल के दिखाएं। अरे स्मार्टफोन है पापा जी। क्या जमाना आ गया है, आदमी बेवकूफ हो गया है, फोन स्मार्टफोन हो गया है। किसको किसको बोला आपने? नहीं, किसको बोला बताइए? किसको कह रहे हैं आप? कोई खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। पर मैं तो बहुत खुश हूँ भगवान दास। शिवाय, सी माय न्यू मोबाइल, देखो कितना अच्छा मोबाइल है। कैसा है? तुम्हारा मोबाइल तो बहुत अच्छा है भगवान दास। अरे हाँ, तो अपना मोबाइल नंबर दो। मुझसे बात करने के लिए तुम्हें फोन की क्या आवश्यकता है भगवान दास, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। अरे तुम तो सामने हो शिवाय, लेकिन कितने लोग हैं जो सामने नहीं होते, उनसे चैटिंग करने के लिए मोबाइल इज द बेस्ट थिंग। जो सामने नहीं होते उनसे चैटिंग करने के चक्कर में, जो सामने हैं उन्हें मत भूल जाना भगवान दास। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, एक मिनट, अस्थाना इज ऑनलाइन। ये अस्थाना को भी आज मैसेज करता हूँ, बदतमीज को पता चलना चाहिए कि भगवान दास चौबे भी मोबाइल खरीद सकता है। ये लो, ऑफलाइन हो गया, आने दो इसको ऑनलाइन। ये ऑनलाइन क्या होता है? अरे ऑनलाइन मतलब लाइन पे आना। ये लो आ गया अस्थाना लाइन पर। अस्थाना क्या, बड़े बड़े लाइन पे आ गए भगवान दास? देर सवेर ही सही, किंतु सब लोग लाइन पे आ ही जाते हैं, और इस चक्कर में कितनी लाइनें कट हो जाती है ये उन्हें पता भी नहीं चलता।
इतने मैसेज आ रहे हैं तुम्हारे फोन पे भगवान दास। यस मालूम है शिवाय, मैसेज किन के पास आते हैं ज्यादा? जिनकी डिमांड होती है, जिनकी वैल्यू होती है, जिन्हें कोई याद करता है। आज देखो मेरी डिमांड है भगवान दास, आज लोग मुझे याद कर रहे हैं भगवान दास। दैट्स द पावर ऑफ मोबाइल भगवान दास। क्या जोक भेजा है स्थाना ने? सी शिवाय तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम, अरे जानते हैं। मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं। अरे मक्खन नहीं लगा रहा हूँ भाई, प्यार जता रहा हूँ। तो उस वक्त प्यार कहाँ गया था जब अपने लिए नया मोबाइल खरीदा, और मेरे लिए कुछ भी नहीं। अरे तुम अभी तक उसी बात को लेकर गुस्सा हो? अच्छा बाबा एक काम करो, ये लो ये मोबाइल तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए बस। अच्छा ताकि लोग ये कहें देखो तो कैसी पत्नी है, खुद नया वाला स्मार्टफोन लेकर घूम रही है और पति को वो चवन्नी छाप पुराना मोबाइल दे रखा है। अच्छा ठीक है तो फिर ये मुझे दे दो नया वाला, तुम उसी से काम चलाओ। अच्छा ताकि लोग ये कहें कि देखो तो कैसा पति है, खुद नया स्मार्टफोन लेकर घूम रहा है और पत्नी को ये चाइना मेड लेकर दे रखा है। अच्छा बाबा ये दोनों तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसी से काम चला लूंगा बस। हाँ ताकि लोग क्या कहेंगे कि देखो तो कैसी पत्नी है, खुद के पास दो दो स्मार्टफोन है और पति को वो चवन्नी छाप 3 साल पुराना मोबाइल दे के रखा है। प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू। आप कुछ भी कीजिए, सुनना तो मुझे ही पड़ेगा ना। अच्छा एक काम करो ये तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए, सच बता रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए फोन। नहीं आप ही रखिए ये मोबाइल। हाँ लेकिन मुझसे वादा कीजिए कि इस मोबाइल से आप किसी भी लड़की के साथ चैटिंग नहीं करेंगे। बॉबी पागल हो गई हो क्या तुम? मैं कहाँ चैटिंग करूंगा? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिब्बे के अंदर रखूंगा हमेशा, बस फोन आएगा SMS आएगा तभी यूज करूंगा, अदरवाइज। शुरू शुरू में तो सारे पति ऐसा ही बोलते हैं, फिर दिन भर चैटिंग में लगे रहते हैं। अरे अरे नहीं भाई मैं वैसा नहीं हूँ, आई एम नॉट लाइक दैट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बॉबी। अच्छा मैं एक काम करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ चैटिंग करूंगा, दैट्स ऑल। तो करो क्या चैटिंग? हम भी कहाँ बातें करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेट अस चैट, मतलब चैटिंग भी फ्री, हम लोग भी फ्री। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, वो तो दिन रात चैटिंग करते रहते हैं। हाउ डू यू नो? पूरा दिन ऑनलाइन तो होते हैं वो। बॉबी प्लीज बेड में घुसने के बाद तो खन्ना का नाम मत लिया करो, वरना लोग ये कहेंगे कि देखो कैसी पत्नी है, पति बगल में बैठा और ये खन्ना खन्ना कर रही है। ये क्या है? मैं शर्मा रही हूँ, देखिए मेरे गाल कितने लाल हैं। अच्छा अच्छा शर्मा शर्मा दोबारा शर्मा और दोबारा भेजो। ये लीजिए। ये क्या है? मेरा मुंह गुस्से से लाल हो गया है। But why? LOL. ये लोल मतलब लोल क्या है? Laugh out loud. बॉबी आज एक नया शब्द सीखा, लोल। अब चैट खत्म करें, मुझे बहुत नींद आ रही है। ओ अच्छा। GN. GN मतलब? Good night. GN. Good night. Good night. Have sweet dreams. Nothing. I was just searching. It's. अभी से शुरू हो गए? आहा, yes, 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 I know. Yes, yes. Oh, no, 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 no. Why? No, 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 no. Don't take tension. Yes, I'm there. Yes, yes. I will send. Yes, yes. Yeah. No, no. Message me on WhatsApp, na. इसमें सारे applications हैं. Yes, yes. It's new. Yes, yes. Okay. Bye. Take care. अरे वाह भगवान दास, न्यू मोबाइल। वाह
लेटेस्ट वन, वेरी नाइस। अरे तभी मुझे सुबह से मैसेज पे मैसेज भेज रहे हैं, 22 मैसेज भेज चुके हैं, 22। मुझे भी किया है। कहाँ से मिला चौबे जी? कहाँ से मिला मतलब? अरे खरीदा है भाई। दिखाओ ना भगवान दास, show me. Excuse me, one minute. Mr. कालिया, the boss. Wait, wait minute. क्या हो रहा है ये? The boss. मैसेज क्या हो रहा है? सर, भगवान दास ने ना लेटेस्ट वर्जन मोबाइल लिया है। नया फोन। हाँ, इसीलिए। इसीलिए तुम रात भर मुझे बेहुदा मैसेजेस भेजते रहे। नो, एक्चुअली व्हाट दैट चैट पे तुमने रात भर मुझे अपने बेकार जोक्स और आलतू फालतू मैसेजेस भेजकर परेशान कर दिया। फोन बीप 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 करता रहा, मेरी नींद हराम हो गई। परेशान होकर मैंने मोबाइल साइलेंट पे कर दिया। मेरी बीवी को शक हो गया। बॉबी और मैं रात को कुछ मैसेज जो आ रहे थे या वो मुझे भेज रही थी, तो आई वॉज फॉरवर्ड, मैंने एक नया ग्रुप बनाया है सर मित्रों का, तो आई वॉज फॉरवर्डिंग दैट्स ऑल। भगवान दास, आपकी पत्नी रात में आपको मैसेज कर रही थी? यस। yes. वो रात में बाहर थी क्या? नो 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 नो, हम तो दोनों साथ में ही लेटे हुए थे बगल में, लेकिन आई वॉज फॉरवर्डिंग, एक्चुअली हम लोग चैटिंग कर रहे थे पूरी रात ऑन द बेड। एक मिनट भगवान दास, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ लेटकर, तुम्हारे बगल में लेटकर तुम्हें मैसेज कर रही थी? Yes, we are like that only. भगवान दास, तुमसे एक विनती है, रिक्वेस्ट, पर्सनल रिक्वेस्ट है, मुझे आइंदा रात को 12 बजे मैसेज मत कर। मैं अपनी बीवी को समझा समझा के थक गया। बीडी मींस भगवान दास, वो सोचती है विंध्या देवी। अब मैं क्या करूं? प्लीज मुझे मैसेज मत करना, ओके? क्या? Don't message me. The boss. भगवान दास, दिखाओ जरा। Tell me one thing first. Why he is angry always? Actually, आज ना। एक मिनट, excuse me. Oh my God, what a joke. अध्यापक विद्यार्थी से, बटन दबाते ही पंखा क्यों चलता है? विद्यार्थी अध्यापक से, सब भगवान की माया है। आप क्या कह रही थी? वेट वेट वेट, एक्सक्यूज मी, आई विल टेल यू लेटर। एक या हाँ हाँ या, यस यस, इट्स न्यू, आई नो वो, यस आई कैन अंडरस्टैंड, बट क्या बात है भगवान दास, नया मोबाइल, नए नए तेवर, बहुत ही बढ़िया। पापा, चैटिंग, आप मेरे साथ सांप सीढ़ी खेलोगे? बेटा मैं नहीं खेल सकता, मम्मी को बोलो, जाओ जाओ। पापा आप कभी मेरे साथ सांप सीढ़ी नहीं खेलते हो। सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी, 24 घंटे पढ़ाई करो, जाओ जाओ होमवर्क करो अपना। पापा आप होमवर्क करवाओ ना। अरे मम्मी को बोलो, जाओ। पापा मम्मी खाना बना रही है। अरे खाना बनाए तो करवा देगी होमवर्क, जाओ जाओ बोल दो, पापा ने बोला, जाओ जाओ बेटा जल्दी। कितनी बार बोला है मस्ती मत किया कर, पापा को परेशान मत कर, कितना काम होता है उनको पता नहीं है? चल जा अपने कमरे में। सुनो, जरा अपने दिमाग पर और गुस्से पे काबू रखा करो। ले आए वहां से। पापा मैं जोड़ दूं? तुमको आता है? हाँ जोड़।
अरे बाप रे, थैंक यू, ये यस यस। पापा मैं नया गेम डाउनलोड करूं? तुम्हें वो भी आता है? हाँ। हाँ। कल जब आप नहाने गए थे ना, जब भी मैंने मोबाइल लेके सब चेक कर लिया था। अरे बदमाश, लो करो डाउनलोड करो। बबलू, तूने फिर से पापा के मोबाइल को छुआ? चलते वापस और चल अंदर चल। बॉबी, खेलने तो बच्चे को क्या हो गया? ताकि फिर से बिना बात के गुस्सा कर सको उस पे, इसलिए। बॉबी छोड़ो ना। अरे हो गई गलती, अब क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? गलती नहीं हुई आपसे, जब से आपने ये मोबाइल लिया है ना, हमसे ज्यादा मोबाइल प्यारा हो गया है आपको। पहले तो घर में आते ही बॉबी बॉबी चिल्लाते थे, अब तो मैसेज करते करते घर में घुसते हो आप। पहले बच्चों के साथ कितना वक्त बिताते थे, खेलते थे उनके साथ बैठकर, और अब इस मोबाइल की वजह से दूर भगाते हो उनको। पिछली बार पापा जी के साथ बैठकर आपने कब बात की थी, याद है आपको? नहीं याद आएगा, मोबाइल से फुर्सत मिले तो याद आएगा ना। चल बबलू, चल रखते बेटा, चल अंदर। पहले खाना खा लो। अरे पापा जी एक मिनट, बस ये मैसेज आया। अरे ये मैसेज बाद में पढ़ लो, कहीं भागा नहीं जा रहा है। अरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे तो मैसेज थोड़ी ना ठंडा हो जाएगा। खाना ठंडा हो रहा है आपका, खा लीजिए। खा रहा हूँ ना भाई। <चाहिए। laughs> अमेजिंग। अरे खाना खाओ। खा रहा हूँ पापा जी। ये दैट सब बिना पापा जी, कमाल। पापा जी, संता ने बंता से कहा गुड नाइट। भगवान दास, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। भगवान दास। हाँ बोलो। Busy man, तू बड़ा busy man, check 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 chatting man. Busy man, तू बड़ा busy man, chat 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 chatting man. Busy man. टू अंडरवेयर बनियान इंटरनेशनल के नेशनल कर्मचारियों, क्या आप में से मुझे कोई भी बता सकता है कि मैंने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है? नो सर। ऑफ कोर्स नॉट, मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैंने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है। मैंने आपको आज यहाँ इसलिए एकत्रित किया है कि अगले सैटरडे को हाँ बेटा बबलू, हाँ ले आऊंगा, मैं बाद में बात करता हूँ, मीटिंग में हूँ, ठीक है बेटा? बेटा है सर बबलू। हाँ तो मैं आपको बताने जा रहा था कि जो अगले सैटरडे को हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स आएंगे, उन्हें हमें यह साबित करना है कि हमारे अंडरवेयर बनियान की क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी के साथ कैसे मैच की जाए। हाँ साडू साहब, हाँ आप और बेबी पहुंची ना घर पर, विल टॉक टू यू लेटर, थैंक यू। वो साडू साहब है, साडू भाई सर, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में वो, ब्रदर इन ला। तो जो बात मैं आपसे बताने जा रहा हूं वो बात कोई मामूली बात नहीं है, वो बात हाँ बॉबी, व्हाट द हेल, यस आई नो, बट आई एम इन अ मीटिंग, कॉल यू लेटर। अरे भाई कालिया सर मेरे सामने खड़े हैं भाई, मैं बैठा हूँ, मीटिंग में बैठे हैं हम सब लोग, आई विल टॉक टू यू लेटर। आप कहाँ थे सर? मैं कहाँ था ये जानना जरूरी नहीं, अब ये सोचो भगवान दास कि इसके बाद तुम कहाँ जाओगे? मैं कहाँ होऊंगा सर? ऑफिस के बाहर। Out of the office! Why?
What I have done? इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है और तुम्हारे फोन पे ऐसे वाहियात गाने बज रहे हैं, क्या है वो? गंदी बात। गंदी बात? और क्या है? साड़ी के फाल से। साड़ी से मैचिंग? क्या है ये सर? वो इसलिए क्योंकि मेरे परिवार वालों ने सबने अपने अपने हिसाब से रिंगटोन सेट की हुई है सर, तो उन्हीं के पसंद का गाना बजता है। तो साइलेंट पे नहीं रख सकते थे? साइलेंट पे आई डोंट नो हाउ टू, आई एम लर्निंग इस न्यू फोन्स। भगवान दास, तुम्हें एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है और वो भी विदाउट पे। बट व्हाई सर? व्हाई तो तुम अब टोनी जी से सुनना, मैं उन्हें रिपोर्ट दे दूंगा। नाउ यू गेट आउट। हाँ पापा जी, आई एम कमिंग फॉर 7 days। यस। गाड़ी का रेडियो भी खराब है, कम से कम गाना सुन लेता तो थोड़ा मन हल्का हो जाता। अरे मोबाइल है ना। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। ए भाई। अरे शिवाय कैसे हो भाई? ठीक हूँ भगवान दास। क्या बात है भगवान दास, आज स्कूटर की जगह कार? कभी कभी कार भी निकाल लेनी चाहिए ना, तो क्या है कि स्टैंडर्ड बनता है, इंप्रेशन बढ़ता है, और आप क्या है कि डिमांड में रहते हैं। भगवान दास सामने देखकर गाड़ी चलाओ यार। अरे तुम पीछे बैठे हो, मैं आगे देखूं, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया हूं यार, आगे देखूं कि पीछे देखूं। इतनी बार कहा है कि बराबर में चला करो, बराबर में बैठा करो यार। जब देखो खिजियाए रहते हो भगवान दास तुम। अरे खिसियाने की यहाँ हूँ भगवान दास। अरे यार कमाल हो तुम भी यार, आज ऑफिस से जल्दी आ गए। अरे भाई छुट्टी हो गई क्या तुम्हारी? हाँ वो 1 week वैकेशन, यानी कि हॉलीडे। यस। क्या बात है भगवान दास। अच्छा ये बताओ जा कहाँ रहे हो? अरे कहाँ जाऊंगा यार, मतलब मिडिल क्लास आदमी जा कहाँ सकता है, मुझे बताओ। सारी लाइफ जो है ना जल जीरा टाइप हो गई है। क्या हुआ भगवान दास? अरे भाई वो कालिया नहीं है, हाँ? निकाल दिया, एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया मुझे। मैंने किया क्या था बताओ? तुमने अपना फोन साइलेंट पे नहीं किया था भगवान दास। अरे तो कोई इम्पोर्टेंट फोन आ सकता है ना, फोन या मैसेज। अरे एक ही बात है भाई। एक बात तो नहीं है भगवान दास, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, पर एक बात हमेशा याद रखना, यदि कोई व्यक्ति तुमसे जरूरी बात कर रहा हो और तुम्हारा ध्यान मोबाइल में हो तो भैया नौकरी तो क्या, जिंदगी से भी सस्पेंड होने के चांसेस रहते हैं। अरे एक मिनट यार। अरे क्या कर रहे हो भगवान दास? अरे भाई सामने देखकर गाड़ी चलाओ। अरे चला रहा हूँ यार, एक मिनट डराओ मत यार, बॉबी का मैसेज है भाई, जवाब तो देने दो। भगवान दास सामने देखकर गाड़ी चलाओ यार। अरे, अरे देखा ओ बॉबी। अरे बहू बेटा ये समोसे ले आया हूँ मैं, हैं? तू चाय बना ले, बग्गू कहने का भी टाइम हो रहा है। जी पापा जी। क्या बात है बेटा, तू परेशानी है क्या? पापा जी वो। अरे बेटा बताओ ना क्या बात है। वो पिछले 5 घंटे से ऑनलाइन नहीं दिख रहे चैट पर। क्या? अब सोचिए पापा जी, जो इंसान पूरा दिन ऑनलाइन लगा रहे वो अगर 5 घंटे तक ऑफलाइन रहे तो कैसा लगेगा? बेटा ये कौन सी बात? वही तो। तुम फोन कर लो ना। 12 बजे बात हुई थी मेरी, वो बोले कि मीटिंग में है। मम्मी मैंने भी फोन किया था पर वो मीटिंग में थे। देखा बेटा फोन तो मैंने भी किया था, तो उसने कहा कि मैं बस आ रहा हूँ। कितने बजे? यही 12:30 बजे किया था। वही तो, उनके चैट में भी 1 बजे का टाइम दिखा रहा है जब वो लास्ट ऑनलाइन थे, उसके बाद ऑफ ही हो गए। क्या कह रहे हो बहू बेटा? नहीं मतलब ऑफलाइन हो गए पापा जी। वही तो पापा जी, अब 6:30 बजने वाले हैं, अब तक ये चैट ना करे, अपना मोबाइल ना देखे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बहू बेटा बात तो तुम्हारी बिल्कुल भी सही है, लेकिन अगर ये गया तो आखिर गया कहाँ? वही तो। हेलो, हाँ जी बोल रही हूँ। क्या? अरे मगर क्यों? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। अरे बहू बेटा क्या हुआ, किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फोन आया था। क्या? इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मगर क्यों? पता नहीं पापा।
जी हमको खाने बुलाया, फौरन चलते हैं। बबलू बेटा तू जा, ये सब रख दे अभी, और सुन तू मिश्राई नांटी के घर जाकर खेल हा? जब तक हम वापस नहीं आते। और सुन अगर बबली आ जाए ना तो उसके साथ घर में ही रहना, बाहर मत चले जाना, ठीक है? चल जा, जा बेटा सीढ़ियों से चला जा। तो दरवाजा बाहर बंद करके जा रहे हैं। अरे मिश्राइन, हम बबलू को भेज रहे हैं ऊपर तुम्हारे घर, उसको बिठा के रखना, हम लोग आए नहीं तब तक। एक्सीडेंट किया है इन्होंने। क्या? वो तो अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं आई। कार चलाते समय मोबाइल से एसएमएस कर रहे थे जनाब, सामने से आ रही गाड़ी को ठोका इन्होंने। वही तो, कितनी बार आपको समझाया था घर पे कि मोबाइल का मोह छोड़ दीजिए, लेकिन आप है कि समझते ही नहीं है। बॉबी तुम ही ने मैसेज भेजा था, मैं उसी का जवाब दे रहा था भाई, एसएमएस कर रहा था। एसएमएस कर रहे थे? खन्ना साहब को देखिए, कभी भी कार चलाते वक्त एसएमएस करते हैं क्या? ये खन्ना बड़ा समझदार मालूम होता है। हाँ जी, ही इज जीनियस सर। देखिए दरोगा जी, मेरे बेटे भगवान दास से गलती तो हो गई है, अब उस गलती को आप क्षमा कीजिए, छोड़ दीजिए उसे। देखिए किसी का नुकसान भी तो नहीं हुआ है। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, ये तो लंबे समय के लिए अंदर जाएंगे। देखिए हमारे जीजा भी कानपुर में दरोगा है, बड़ी रंगबाजी है उनकी भी। बस आते ही होंगे, हमने उनको फोन कर दिया था। अरे राम राम तुम्हारी जी। दुबे जी आइए आइए, कैसे हैं आप? बस खैरियत। आइए बैठिए। अरे नहीं बैठिए बैठिए। आप हां कहीं जीजा, क्या लाए हैं आज? अरे तुम्हारे घर नहीं आए हैं बॉबी। अरे हाँ साढ़ू साहब, अरे समझाइए इनको, हो गई ना गलती, दोबारा नहीं होगी, बट प्लीज। देखिए ऐसा है, हमको तिवारी जी ने सब कुछ बता दिया है, मामला संगीन तो है। अरे पर आपकी तो बहुत रंगबाजी है ना कानपुर में। रंगबाजी तो है, लेकिन अभी क्या है कि तिवारी जी के हाथ में है, आप जैसा ये ठीक समझे। क्या चीजा, प्लीज कुछ कीजिए ना, आप कौन पकौड़ों की कसम है जो आज तक मैंने आपको बना बना कर खिलाए हैं? ओहो क्या कह डाला बॉबी तुमने। हाँ तो। तिवारी जी देख लीजिए, अगर कुछ हो सकता है तो कर दीजिए कुछ। मैं दुबे जी, गलती तो इन्होंने की है, अब जब गलती की है तो इसकी सजा भी इन्हें भुगतनी पड़ेगी, और तुम्हारी सजा ये है, सामने ब्लैक बोर्ड पर 101 बार लिखो, कार चलाते वक्त मोबाइल नहीं चलाऊंगा। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हो गया। चौबे साहब, हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आपने जो ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा है इसको आप हमेशा याद रखोगे, कार चलाते समय कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करोगे, और ये बात भी याद रखोगे कि सामने सड़क पर आपका अपना बच्चा भी हो सकता है। जी इंस्पेक्टर साहब, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ, अब तो अब मैं समझ गया हूँ कि मोबाइल से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी है तो मोबाइल चलता है, है ना बॉबी? बॉबी पापा जी, am I right? But पापा जी, वो किसी का किस कोई प्रॉब्लम हो, किसी का सुनना तो चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। की बात नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश कहाँ करते हैं भाई, कभी। अरे कैसे समझे भाई, क्या हो गया आपको? अरे बेटा कुछ नहीं, एक मिनट। देखा, जाओ बेटा, फिर वही बैठ जाओ। अरे यार कमाल है। देखिए ऐसा है भगवान दास जी, आप हमेशा ये कहते रहते हैं कि आप जो है एक मिनट यार, क्या एक मिनट यार? देखो क्या बात क्या है कि देखिए हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि अरे एक मिनट भाई, देखा इतना बड़ा हादसा हो गया है, इतनी चोट लगी है, लेकिन फिर भी नहीं सुधरेंगे, अभी तक मोबाइल में घुसे पड़े हैं। अरे इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। मैं खुद नफरत करता हूँ ऐसे लोगों से जो मोबाइल में बिजी रहते हैं और सामने वाले की बात नहीं सुनते। बट व्हाट शुड आई डू, मैं पता नहीं इसमें कैसे खो गया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी। अगो तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई। देखो ऐसा है, हम ये कह रहे हैं कि इनका नाम भगवान दास चौबे से बदल कर मोबाइल दास चौबे कर दीजिए। वही तो। अरे मेरी बात तो सुनो कोई। वही तो, नहीं सुना पा रहे हैं आप। अरे ये देखो, ये शिवाय परेशान कर रहा है मुझे, कितनी देर से मैसेज भेज भेज कर, he is disturbing me, see? कौन शिवाय? शिवाय ऐसा है, कौन है ये? हाँ? उठवा लेंगे उसको, आज तो उठवा। अरे नहीं उठवा सकते, वो बहुत उठे हुए हैं। कुछ नहीं, एक शिवलाल यादव है, वो काफी बड़े आदमी है, उठे वो, मतलब वो है। देखिए क्या मैसेज भेजते, देखिए नहीं पढ़ नाम को, प्लीज सी।
और गुरु मजा आ गया नहीं? और ये देखो गुरु, मैसेज पढ़ने के बाद भी जवाब नहीं देते हो हैं? और ये देखो क्या लिखा। अच्छा, ऑनलाइन होके भी ऑफलाइन का चलवा। अब बताओ, व्हाट शुड आई डू? एंड रीड दिस जोक। ये जोक भेजा है शिवाय ने। देखो, एक आदमी कार चलाते हुए अपने मोबाइल पर बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद कार खंबे से जा टकराई। आज मोबाइल भी चल रहा है और कार भी चल रही है, पर आदमी चला गया। बहुत पुराना जोक है, हंसिए मत अब। पर अमेजिंग ना, कार भी चल रही है, मोबाइल भी चल रहा है, पर आदमी चला गया। कार चल रही है, मोबाइल भी चल रहा है, पर इंसान चला गया। ओह माय गॉड, तो शिवाय ये बताना चाहते थे मुझे। आई एम सॉरी, मैं आज के बाद इस मोबाइल को कभी यूज नहीं करूंगा। मैं आज ही बंद करवा देता हूँ इसे। नहीं जी, आप क्यों मोबाइल बंद करवाओगे? अगर आप मोबाइल बंद करवा देंगे तो मैं दिन भर चैटिंग किससे करूंगी? खन्ना साहब से। खन्ना। और मैं गेम किससे खेलूंगा? और मैं सेल्फी किससे खींचूंगी? बेटा सेल्फी क्या होता है? बस चाचा जी, बस बहुत हो रहा है। नहीं बेटा, मैं कह रहा था कि बंद मत करवा। देख, कभी कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता हूँ तो सुनने का मन तो करता है ना, तो सुन लेता हूँ। इस पे बंद मत करवा, बस अपना दिमाग खो के इसका इस्तेमाल कर। जब से ये चोट लगी है ना, दिमाग खुल ही गया। लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, सबसे बबलू प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद इसका सही यूज करेंगे, सही वक्त पर। और दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात करने के चक्कर में पास के व्यक्ति से दूर कभी नहीं होएंगे। बबली, एक सेल्फी लो। चलो फैमिली भाई। भाई मामी, इस खुशी के मौके पे जो है बढ़िया बढ़िया पकौड़े हो जाए। जीजा, कहो तो चैट पे भिजवा दो। भाई बहुत बेटा, पकौड़े तो हम भी खाएंगे। बस अभी लाई पापा। चलो गोबर, हम लोग उधर चल के बैठ। आइए। हाँ आइए, यहाँ बैठते हैं। थैंक यू शिवाय। थैंक यू। मुझे किस बात के लिए धन्यवाद बोल रहे हो भगवान दास? देखो, जो भी कुछ मेरी लाइफ में अच्छा बुरा हो रहा है उसके पीछे तुम होते हो। पर आगे तो तुम होते हो ना भगवान दास? तो एक काम करते हैं, अब से साथ साथ रहते हैं। अच्छा। शिवा, फोन का नया मॉडल। अरे बॉबी, पापा जी, अरे देखो, अरे मोबाइल का नया मॉडल। ये देखो, मोबाइल का नया मॉडल आया भाई। अरे एक बार दिखाइए तो। अरे अरे सेल्फी भी आएगी आप भी चाचा। हे भगवान, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।